आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई। अस्सलाम वालेकुम जी फैजान। सॉरी मैं एक और सॉरी दोबारा से। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है बहराम अली और अब आपको मैं खुशामदी कहता हूँ एक और ओनर्स रिव्यू वीडियो में। आज की वीडियो जो बहुत स्पेशल होने वाली है फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। सलाम सर, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत शॉर्ट नोटिस में हमारी टाइम निकाला और बहुत ही यूनिक गाड़ियाँ आप लेकर आए। तो व्यूअर्स, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको इन गाड़ियों के बारे में बताते हैं। आइए फैजान भाई। सर आप गलत साइड पर बैठ गए हो। मैं वही इसकी वो, अच्छा ये तो लेफ्ट हैंड है। जी सर, मैं अपनी आदत के लिहाज से यहीं पे आ गया था। सर आ जाएं आप इधर। सर अब हमारी जो पोजीशन है ना वो ठीक है। तो चलें फिजान भाई ड्राइव पे चलते हैं। तो फिजान भाई सबसे पहले ये बताइएगा कि इस गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट क्या है। जी ये है 1992 मॉडल सुजुकी महरान। ठीक है, लेकिन ये यूरोपियन है और अफगान इम्पोर्ट वाली गाड़ी है। ठीक है, जो ट्रांजिट पे जाती थी पहले। बिल्कुल ठीक है। और ये कस्टम वालों ने फिर आखिर में मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार गाड़ियाँ कराची पोर्ट पे रोक दी थी। ठीक है, तो ये अभी 12 साल बाद क्लियर हुई है। अच्छा जी जी, कराची पोर्ट से। बिल्कुल ठीक है, मतलब कि काफ़ी एक होता है ना हिस्ट्री वाली गाड़ी है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये एग्जैक्टली आपको अगर अंदाज़ा हो कि यूरोपियन कौन से ओरिजिन की गाड़ी है। नीदरलैंड है ये जी। अच्छा नीदरलैंड की गाड़ी। जी जी ठीक है, बेहतरीन है। अच्छा अब ये टोटल जेन्युइन पेंट अंदर बाहर इंजन बे सब कुछ। जी हम लोगों ने तो बाय चांस ले लिए थी। अच्छा, इसका आइडिया नहीं था कि ये टोटल जेन्युइन ही होगी। ठीक है, लेकिन वो बस निकल आई है। जब निकल आई है तो बस किस्मत की बात है। अच्छा सबसे पहले ये बताइएगा कि एक जो लोकल मेहरान यहाँ पर जो ऑफर हुई थी जी जी, उससे क्या कुछ डिफरेंट है इसका। इसका सस्पेंशन टोटली डिफरेंट है। ठीक है, पीछे इसमें कमानी की जगह शॉक है। अच्छा, मेहरान मेरे ख्याल से 850 केजी आता है पाकिस्तानी। ठीक है, इसका ऑलमोस्ट 1000 केजी है। ओके, ये भारी है, आपको ड्राइव में भी अंदाजा हो रहा होगा। नहीं नहीं, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जो आपने सस्पेंशन वाली बात की है जी जी, खड्डा एस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कितनी बड़ी महंगी गाड़ी में बैठा। नहीं सीरियसली वो नहीं है। और मेरे ख्याल से जो साउंड इंसुलेशन है वो भी बेहतर है। जी जी जी, क्योंकि जो लोकल मेहरान है वो जब लास्ट जब तक बंद हुई है ये इंजन को इतने रफ पे भी आप चला रहे हो ना तो अंदर शोर आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसके अलावा एसी वगैरह सब जी कुछ जी, सब कुछ रनिंग है, सब कुछ A1 है। ठीक है जी। और इंजन क्या इसमें वही जो इंजन सेम ही है। इंजन सेम ही है। ठीक है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, वही F8A जो आता है दोनों का। बिल्कुल ठीक है, वो जो 3 सिलेंडर इंजन है। बट एक चीज मैं और नोटिस कर रहा हूँ, इंजन की वाइब्रेशन नहीं है। नहीं इसमें वाइब्रेशन कुछ नहीं है इस गाड़ी में। प्लस ये हाई स्पीड पे भी बड़ी स्टेबल है। तो हाई स्पीड में आप इसको मतलब कि कहाँ तक लेके गए। मोटरवे पे मैं इसको 120 पे लेके गया हूँ। अच्छा, और स्टेबल बिल्कुल नॉर्मल गाड़ी लगती है। और ब्रेक्स A1 ब्रेक्स भी A1 जी, क्योंकि मेहरान के वही वाली बात है, पहुंच तो जाती थी रुकना मुझको बहुत मुश्किल। इसकी सीटें भी डिफरेंट है। हाँ ये भी मैं देख रहा था, ये मतलब कि मेरे ख्याल से मैंने ऐसी सीटें मेहरान में कभी नहीं देखी। प्रॉपर इसके ये हेडरेस्ट ठीक है और ऊपर से ये फैब्रिक है और साइडों पे इसके लेदर लगा हुआ है। फैब्रिक ओरिजिनल है। हाँ, और फैब्रिक ओरिजिनल है, बेहतरीन। अच्छा इसके अंदर क्या वो एक सिंगल स्पीकर वाला या कोई इसका ऑडियो में कोई फर्क है। नहीं वही ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, बस ये मेन कुछ चीजें ही डिफरेंट है। ठीक है जी। अच्छा मगर इसके जो ये डैशबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, तो मटेरियल डिफरेंट है। एग्जैक्टली, और इसका ये ग्लव बॉक्स वगैरह। अच्छा और ये इसका बुकलेट। ओ क्या बात है, ओरिजिनल। क्या बात है, हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ऑयल चेंज नेक जो है तो 30,000 पे ड्यू है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मतलब कि पूरा मैनुअल सब कुछ एक एक चीज, ये तो जेन्युइनली आपको जिसे कहते हैं ना वो गोल्ड माइन मिल गई। जी बिल्कुल, बाय चांस बाय चांस। अच्छा इसकी स्टीयरिंग की तरफ आए तो ये वो वाली है ना जिसके साइडों पे हॉर्न्स होते हैं। जी ये नाइस नाइस नाइस। और ये हॉर्न भी ओरिजिनल इसके अंदर। जी ओरिजिनली है, बिल्कुल सही है। अच्छा मुझे एक होते हैं ना ओवरऑल क्वालिटी वो बहुत बेहतर लग रही है। मतलब ऑनेस्टली मतलब कि मैं जिस साइड पे जिधर भी देख रहा हूँ ये सारा कुछ जो है और इवन कि ये हेडलाइनर वगैरह बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। अच्छा सर ये भी है। जी 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 ये भी है इसमें, ये तो आते ही नहीं है। ये तो हमें जैसे कहते हैं ना वो समझते थे आपको ज़रूरत ही नहीं है यार इस चीज़ की। प्लस इसका डोर ओपन होते ही वो जब लाइट्स ऑन होती है ना तो वो आवाज आती है, चूं वाली आवाज नहीं होती। अच्छा वो मतलब डोर ओपन वार्निंग है करोला या होंडा में होती है। बिल्कुल, इसमें 92 में वो चीज आई है। बिल्कुल सही है। और उसके अलावा व्यूअर्स इसमें सीट बेल्टें भी हैं। जी, जी, जी। मेहरान लोग मेहरान में सीट बेल्टें नहीं है करती थी। एग्जैक्टली, मतलब कि उन्होंने हर एक चीज, और मेरे ख्याल से ये वो होंगी भी वो
जो आपको अंडर मतलब के एक्सीडेंट सिचुएशन जो सेल्फ टेंशन कर लेती हैं, ठीक है, उसके अलावा। अच्छा सर ये बताइएगा कि क्या आपको इसकी फ्यूल एवरेज वगैरह क्या मिल रही है? फ्यूल एवरेज पाकिस्तानी के लिहाज से इसकी बेहतर है। अच्छा जी जी, ये कितना बेहतर? मैं तो करता हूँ कार गीक हूँ, तकरीबन 15 से 16 एवरेज दे रही है पर लीटर इन सिटी। जी इन सिटी बड़ी बात है, जनरली बड़ी बात है जी, वरना जो लोकल मेरान है मेरे ख्याल से 11-12 बहुत मैक्सिमम मैंने सुना हूँ। बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा आप इसको मतलब कि कहाँ तक लेके गए और क्या एक एक्सपीरियंस क्या रहा है आउट ऑफ सिटीज़? मैं तो लॉन्गेस्ट जो है तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक गया हूँ इस पे। ठीक है। और एक्सपीरियंस यही है कि काफ़ी मतलब नॉर्मल मेहरान अगर आप 30-40 किलोमीटर चलाओ तो वो आपको थका देती है। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें थकावट वाली फीलिंग बड़ी कम आती है। कम आती है? नहीं सर वो बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि मैं सबसे बड़ी एक बात एडमिट करूंगा कि भाई बाहर का शोर ही नहीं है। जी जी, बाहर का शोर ही नहीं है। हाँ अभी आपने विंडो खोली हुई थी। जी जी जी। फिर भी जैसे कहते हैं ना मिनिमम, वरना यहाँ की वाली मेहरान तो लिटरली ऐसा लगता है कि आपके और बाहर की एनवायरनमेंट के दरमियान सिर्फ एक चादर है। बिल्कुल, ये असल में वेट का डिफरेंस है ना, तो वेट की वजह से फिर इंसुलेशन होती है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा जहाँ तक इंजन की बात है और बाकी मैकेनिकल चीज़ों की, अगर वो सेम है तो फिर तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू। हाँ सब तकरीबन सेम ही है वो। हाँ मतलब कि आप मेरे ख्याल से, हाँ जहाँ तक मुझे एक थोड़ी सी वो है कि इसकी अगर इंजन माउंट्स अगर वो होंगे ना जरा, वो तो कंपनी वाली चीज़ अब दोबारा तो नहीं मिल सकती ना हमें, डेफिनेटली उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा फ्यूचर में अगर लगाना पड़े। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उसके अलावा सर प्राइस कितने में पड़ी है? मुझे जेन्युइनली जो है तो 9,20,000 रुपए में कराची से शिपिंग और ये रिम टाइल डालते हुए और छोटी मोटी चीजें लगाई है अपनी मर्जी के लगभग HIDs और ये चीजें भी। हाँ अच्छा वाज इट वर्थ इट आपको, मतलब कि एक होता है ना कि अपने डिसीजन पे बिल्कुल शुरू में गैम्बल था। अच्छा और अब तो है तो अल्हम्दुलिल्लाह बेचने का कोई इरादा नहीं है माशाल्लाह। किसी को आपको शोरूम है तो शोरूम पे कड़ी नहीं करते। अच्छा। लोग आके बार बार इंसिस्ट करते हैं कि ये बेच दो हम पे। बिल्कुल ऐसे ही सर मैं समझ सकता हूँ, काफी दोस्त मांग रहे हैं मेरे ख्याल से। इस वीडियो के बाद अगर मैं व्हाट्सएप तस्वीर सुनील साहब को भेजूँ ना तो वो भी इसके पीछे पड़ जाएंगे। चले अगर आप नहीं बेचना चाहते तो हम उनसे भेज के रिक्वेस्ट कर लेंगे या उनको बता देंगे जी ये सिर्फ आपकी वो प्लेजर के लिए आपको भेजी है बट फॉर सेल नहीं है। बेहतरीन बेहतरीन। और सुवीर पीछे का क्या सीट का कम्फर्ट है? बहुत ही फिट है, बहुत फिट है ना, मतलब कि कितनी मेहराने देखी क्या कुछ किया, बट भी बहुत आला, बहुत आला। मतलब कि यार कैटाइज इस सड़क की किसी भी खड्डे पे से गुजरी है ना यकीन नहीं हो रहा मेहरान में बैठे हैं। प्लस 92 मॉडल, आप प्लस 92 मॉडल एग्जैक्टली। और ऊपर से ये कि बाहर से खूबसूरत रेड कलर, ठीक है, टोमेटो रेड इसकी चॉइस आगे बहुत अच्छी है जी। ठीक है उसके अलावा जो इसकी साइडों पे वो एक स्टिकर चल रहा है ना जी, वो भी जेन्युइन आया हुआ है, मैंने नहीं लगाया। मैं कहता हूँ कमाल, मतलब कि जेन्युइनली अगर कोई मेहरान किसी को पसंद है ना भाई जान, ये दिस इज द अल्टीमेट मेहरान, जेन्युइनली दिस इज द अल्टीमेट मेहरान। तो व्यूअर्स अगर आप भी अपनी नेक्स्ट गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर फिजान भाई के थोड़े सर के ऊपर जो है ना वो पॉपअप बैनर आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करें और हज़ारों जो सेलर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके जो है अपनी नेक्स्ट गाड़ी जो है वो पसंद कर सकते हैं और उनसे कॉन्टेक्ट करके नेगोशिएट करके अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। और सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने से पहले हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि पाकवेज की इंस्पेक्शन सर्विस को ज़रूर कॉल करें ताकि वो आपको एक गाड़ी की देर एंड देन रिपोर्ट मिल जाए, ताकि आपको उस गाड़ी की हालत जो है या कंडीशन जो है वो घर बैठे मालूम हो जाए। तो फिजान भाई एक और सरप्राइज भी आपके पास। जी जी ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं और उस पर हम चलते हैं इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स ये होपफुली आपको आज की गाड़ी जो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Only on Pump Fizz.